नमस्कार दोस्तों, लहसुन ना केवल भोजन के स्वाद को बढ़ाने का कार्य करता है, बल्कि यह इतने अधिक औषधीय गुणों से भरपूर है कि आयुर्वेद में इसकी महानता को लेकर इसे महाऔषधि के नाम से जाना जाता है। यह पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक, गर्म, पाचक, दस्तावर और साथ ही पाक में व रस में कटु और मधुर होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह मेधा के लिए हितकारी है, बलवर्ण में उत्तम है, नेत्रों के लिए सुखदायक और रसायन का कार्य करता है और हृदय रोग को दूर करने का यह कार्य करता है। इसके अलावा जीर्ण, ज्वर, पार्श्वशूल, मलावरोध, गुल्म, अरुचि, खांसी, सूजन, बवासीर, कुष्ठ, मंदाग्नि, कृमि, वात, श्वास, कफ को यह जड़ से समाप्त करने में सक्षम है। वहीं आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, खास तौर पर फास्फोरस, आयरन और विटामिन ए, बी, सी का यह प्रमुख स्रोत है। साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का यह कार्य करता है। मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे और कुछ बताने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में इसका काफ़ी प्रचलित तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे लहसुन के कुछ ऐसे आसान प्रयोग जिनका उपयोग करके आप अपनी विभिन्न बीमारियों को कुछ ही दिनों के प्रभाव से दूर कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह रहेगी कि इसके लिए आपको कोई विशेष औषधि का भी सेवन नहीं करना होगा, बस लहसुन लेने के तरीके से, किसके साथ लहसुन को लिया जाए, आप कितनी बीमारियों का नाश कर सकते हैं, यह जानकर आप आज हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी उपाय, नुस्खे व औषधियों का मैं वर्णन करता हूँ, वह केवल आपके ज्ञानवर्धन हेतु है। उनका प्रयोग आप बिना चिकित्सक की सलाह के कदापि ना करें। और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं एक रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, और यदि आप अपनी समस्या के लिए मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 7988282175 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपको उचित से उचित परामर्श देने का। फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी उसे देख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं लहसुन के उन प्रभावशाली आसान नुस्खों के बारे में। जो पुरुष अपनी पौरुष क्षमता में कमी के चलते परेशान है, जो अपने अंदर बलहीनता अनुभव करता है, उनके लिए यह पहला नुस्खा बहुत लाभदायक रहने वाला है। सुबह खाली पेट 4 से 5 लहसुन की कलियों को घी के अंदर तलकर आप उन्हें कैप्सूल की तरह गेट जाइए, और फिर जो घी बचेगा उसके अंदर आप शक्कर मिलाकर उसके बाद उसे खा लीजिए। क्या उत्तम पौरुष बल में वृद्धि होती है, आप देखकर स्वयं हैरान रह जाएंगे। यह अत्यंत कारगर, निरापद, सरल, सुलभ उपाय है। इसका प्रयोग कर ना केवल पौरुष क्षमता की कमी को दूर किया जा सकता है, बल्कि नसों की कमजोरियों को भी दूर करने के लिए यह उपाय बहुत उत्तम है। इसके अलावा जिन लोगों को भूख नहीं लगती, उन लोगों के लिए यह अगला उपाय लाभ देने वाला रहेगा। इसके लिए आप लहसुन, शक्कर, सेंधा नमक, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर चटनी बना ले। अब इन सभी से दोगुनी मात्रा में आप इनके अंदर घी मिला लीजिए, और फिर भोजन के साथ या पश्चात में आप इसका प्रयोग कीजिए। ना केवल मंदाग्नि बल्कि अजीर्ण, अफारा, उदरशूल, लीवर कमजोर होना जैसी समस्याओं को यह अत्यंत सरलता से दूर कर सकता है। इसके अलावा जो लोग अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए, अपना वजन को कम करने के लिए लहसुन का प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए यह तीसरा नुस्खा बहुत लाभ देने वाला रहेगा। इसके लिए आप लहसुन और अदरक, इन दोनों को बराबर मात्रा में लीजिए, और इन सब से आठवां भाग सेंधा नमक और घी में भुनी हुई हींग
आप पीस कर इनके अंदर मिला लीजिए। इस प्रयोग से ना केवल पेट की चर्बी दूर होती है बल्कि उदर संबंधी विकारों को भी यह दूर करने में अत्यंत सक्षम है। बहुत ही जल्द यह प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा कमर दर्द या जोड़ों के दर्द में आप लहसुन का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। इसके लिए आप लहसुन 40-50 ग्राम और फिर इसके अंदर हींग, जीरा, सेंधा नमक, काला नमक, सौंठ, काली मिर्च और पीपली चूर्ण एक एक ग्राम की मात्रा में मिलाकर अच्छे से पीस लीजिए और फिर लगभग मटर के दाने के बराबर आप छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और अरंड के तेल के साथ आप एक एक गोली इसे लेना प्रारंभ कर दीजिए। यह उपाय ना केवल कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से आपको मुक्ति दिलाएगा बल्कि सभी प्रकार के वात रोगों के लिए यह रामबाण से कम नहीं है। पक्षाघात, अर्दित, सर्वांग वायु, कृमिशूल, कमर का दर्द, उदर वायु, सभी प्रकार के वात रोगों में यह अत्यंत लाभ देने वाला है। इसके अलावा लहसुन को दूध के अंदर बहुत देर तक उबाल कर उस दूध को पीने से ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छी राहत प्राप्त होती है। वहीं सर्दी, खांसी, जुखाम में आप लहसुन की कलियों को सरसों के तेल के अंदर भून लीजिए। अब इन कलियों को आप अच्छे से पीस कर बाहर निकाल दें और बचे हुए तेल को छाती के ऊपर मालिश कीजिए। सर्दी, खांसी, जुखाम से तुरंत आपको राहत प्राप्त होगी। इसके अलावा यह तेल सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में भी बहुत लाभ देने वाला है। परंतु दोस्तों, इन सभी नुस्खों का प्रयोग करते समय आप एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि लहसुन तासीर में गर्म होता है, तो इसी कारण गर्म मौसम में और गर्म तासीर के लोगों को इसका प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए और साथ ही इसे खाने से कई बार पेट में जलन जैसा अनुभव होने लगता है। अगर किसी को इस प्रकार की समस्या हो तो भूल कर भी लहसुन का आप प्रयोग ना करें। और मेरी सलाह आपको यही है कि किसी भी औषधि का, किसी भी नुस्खे का बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लिए प्रयोग करना आपके लिए हितकर नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी केवल और केवल आपके ज्ञानवर्धन हेतु है, अतः उत्तम रहेगा कि एक बार आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। और यदि आप हमसे संपर्क करके हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए और आप अन्य किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं वो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।